अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये इफ़ेक्ट बताएंगे कि किस तरीके से आप ऐसा इफ़ेक्ट यानी कि फिटनेस का ये बना सकते हैं। आइए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, मैंने एक इमेज है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये डाउनलोड की है। और अब इसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, मैं लिख लेता हूँ फिटनेस, ये काफ़ी साइज में छोटा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बिग शोल्डर यूज कर रहा हूँ, वो भी ब्लैक में। अच्छा जी, ये आप फॉन्ट इसके ऊपर रखेंगे, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन से इसको कर्व कर लेंगे, ताकि अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अब ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा। इसके लिए आप इमेज जिस तरीके से रखना चाहते हैं उस तरीके से रखेंगे और जूम करके पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये आदमी बना हुआ है भागने वाला, ये इसको आप एज इट इज ट्रेस करेंगे। मैं जूम करके आपको डिटेलिंग में दिखा देता हूँ। और सबसे पहले आप फिल खत्म करके आउटलाइन पे कलर करेंगे। आउटलाइन जितनी कम रखेंगे उतनी आपको ट्रेस करने में आसानी होगी। आप इसकी बॉडी के साथ साथ इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। ये आपने सब सिलेक्शन बना ली। इस सिलेक्शन के बाद ये आपकी सिलेक्शन बन गई। इस सिलेक्शन को और इस टेक्स्ट को आप आपस में पाथफाइंडर टूल में शेप मोड में आके इनको यूनाइट कर लेंगे, तो ये कंबाइंड शेप बन जाएगी। इसको बाद में आप कंट्रोल 8 से एक कंबाइन ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसके अंदर अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क करके इनको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप इसमें बैकग्राउंड ऐड कर दें। ये आपका एक शानदार इफेक्ट तैयार हो गया। इसमें आप ड्रॉप शेडो लाइट साइड कर सकते हैं, ताकि आपके इफेक्ट की खूबसूरती आ जाए। ये आपका एक अच्छा सा इफेक्ट फिटनेस के हवाले से तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी दूसरी वीडियोस में हम अडोब बिगनर्स यानी कि जो बिगनर लेवल पे सीखना चाहते हैं उनके लिए ट्यूटोरियल भी बना रहे हैं,
और इन वीडियोस में हम स्पेशल इफेक्ट्स, जो स्पेशल तरीके के टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं और दो और जो इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।